सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त होंगे। तो आज दोस्तों हम अगर ऐसा डायग्राम आता है हमारे पास, या जैसे खेत हो सकता है, मकान हो सकता है, प्लाट हो सकता है, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जिसकी भुजाएं असमांतर हो, जिसकी भुजाएं क्या हो, असमांतर हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आप शुरू से लेकर आप अंत तक उसे आप जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे अपने डायग्राम लिया है, इसकी 14 सेंटीमीटर भुजा दे 14 मीटर दे रखी है, 18 मीटर है, 15 मीटर और 25 मीटर भुजाएं दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जिसकी असमांतर भुजाएं होती है उसको जोड़ के, जैसे आमने सामने की भुजाओं को हम जोड़ते हैं, उसको हम दो से भाग देते हैं, लेकिन वो तरीका हमारा गलत है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ आप क्या करना है, इसमें हम एबीसी रख लेते हैं, हम ए बी सी और यहां रख लेते हैं, हम इसके अंदर डी रख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेते हैं, ए और सी को हम मिला लेते हैं, ए और सी को हम मिला लेंगे हम इसके अंदर। तो अब ये हमारी त्रिभुज हो जाएगी इसके अंदर, त्रिभुज ए बी सी। तो इसके अंदर सिर्फ पहले हम ये निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी के अंदर इसमें लेंगे हम, तो यहां रख लेते हैं हम, यहां लिखेंगे हम हल त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एसी की वैल्यू निकालने, पहले हमें इसके अंदर क्या निकालने हम एसी की वैल्यू। तो एसी का स्क्वायर, इसमें हम जैसे बेस हो जाएगा ये हाइट हो जाएगी, तो इसमें 24 का, तो इसमें शॉर्ट वीडियो है इसीलिए मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं सीधी। तो प्लस इसमें 18 की 2, तो एसी का स्क्वायर बराबर 24 की गुना करते हैं कितना आता, 576 576 18 के 18 अठा 144 18 अठा 144। तो 14 बचेगा 18 का 18 और 14 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। भाई हम 18 और 18 की गुना करेंगे, 18 अठा कितना होता है 144, 14 बचेगा 18 एकम 18, 18 और 14 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो AC बराबर है 6 4 10, 5 9 1 10, 8 और 5 3 8, 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो AC कितनी आ जाएगी हमारी, 30 मीटर आ जाएगी एसी हमारी, इसमें कितनी आएगी 30 मीटर आ जाएगी। अब इसमें हम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, हम ट्रायंगल या फिर हम इसमें एबीसी के हिसाब से हम इसका निकाल लेंगे, हम समकोण त्रिभुज हो जाएगी। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं। तो समकोण अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इसमें ये वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो हम इसके अंदर समकोण त्रिभुज। तो हम त्रिभुज ए बी सी में तो देखो ये बेस हो गया, इसके अंदर क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो इसमें हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या हमारा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हमारा 24 गुना 18 रखेंगे हम, तो 24 इसके अंदर ये दे रखे हैं और 18 हमारी इसमें कितनी है ऊंचाई दे रखी है, इसको हम रख लेते काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 12 दुनी 24। अब 18 और 12 की हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुना करेंगे, 18 दुनी 36 3 क्या लीजिए 18 एकम 18 3 कितना हो जाएगा 21, 18 एकम 18 3 तो 21, 216 स्क्वायर मीटर इसकी, इस ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ चुका है। अब ट्रायंगल हमारी ऊपर वाली बच चुकी है, तो हम इसमें ले लेते हैं हम ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो इसमें रखेंगे एस, निकालेंगे हम एस का फॉर्मूला डालेंगे हम, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे इसमें कितना आएगा 2 आएगा। तो एस बराबर है इसमें कितना 25 प्लस 15 प्लस 30 बटे इसमें कितना आएगा 2 आएगा। तो एस बराबर है 25 और 15 कितने 40, 40 और 30 कितना हो जाएगा 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, 70 का हम माफ करेंगे 35 दुनी 70। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 35 मीटर आ चुकी है, 35 मीटर आ चुकी है। तो इसमें हीरोन का फॉर्मूला ला लेंगे हम इसके अंदर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षेत्रफल, त्रिभुज का इसमें हम अक्षेत्रफल लगाएंगे। तो एस और यहां रख लेते हैं हम एस माइनस ए, एस माइनस बी
और एस माइनस सी की वैल्यू रख लेते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज या त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी इसके अंदर 35, और 35 में से हम कितना घटाएंगे 25, और 35 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, और अब 35 में से कितना घटाएंगे हम 35 माइनस इसमें कितना घटाएंगे हम 30 घटाएंगे, 35 माइनस इसमें हम 30 घटाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 गुना, अब 35 में से हम 25 घटाएंगे, 35 में से हम 25 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा 10 गुना, इसमें कितना बचेगा हमारे पास 20, इसमें हमारे पास कितना बचेगा 5। अब इसके हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, इसके हम क्या करेंगे, अब इसमें हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 7 35 और 5 2 10 और गुना 2 2 4 4 5 20 गुना 5 1 5। इसका हम रूट की संख्या निकाल लेते हैं हमारे पास। अब इसमें कितना 1 2 देखेंगे हम कितना 1 और 2, तो जिसका अगर स्क्वायर भार निकलता है तो उसको उस संख्या को हम क्या कर लेंगे, उस संख्या को हम भार निकाल लेंगे, उस संख्या को हम क्या करेंगे भार निकाल लेंगे। तो हमारे पास कितनी बचती है, तो हमारे पास 1 2 3 है, इसमें से एक जोड़ा बनेगा तो इसमें 12 आ जाएगा। अब 1 2 3 4, तो 4 में से हम 2 5 बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास कितना बचेगा, अंदर कितना बचेगा हमारे पास 2 और 7 बचेगा, 2 और 7 बचेगा। अब इसकी हम गुणा कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं यहां लिख लेता हूं त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 5 10 10 5 कितना हो जाएगा 50, और रूट कितना आएगा हमारे पास 14, रूट कितना आएगा 14। अगर हमें रूट 14 की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां निकाल लेंगे 14 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, रूट वर्ग जिसको बोलते हैं, अगर 14 का रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें पॉइंट लगा लेते, पहले 3 पे जाएगा 3 3 9 हमारे पास यहाँ 5 बजेगा, पॉइंट लगा लेंगे हम, ऊपर से 2 0 को नीचे उतारेंगे, इसका डबल कर देंगे 6 पे कर देंगे। अब 6 8 48, तो इस पे 7 पे जाएगा, तो लगभग 7 पे तो 3.7 आएगा, लगभग इसका कितना आएगा 3.7। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 गुना 3.7, इसकी हम गुणा कर देंगे इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 5 7 35 जीरो ये लगा देंगे हम इसके पीछे, इसमें पीछे हम जीरो लगा देंगे, 5 7 35 5 3 15 3 18 एक के बाद पॉइंट इसमें कितना आ जाएगा 185 वर्ग मीटर, 185। तो हमारे पास ये कितना आया था इसके अंदर, त्रिभुज एबीसी का हम क्षेत्रफल निकाला था, पहले हमने त्रिभुज एबीसी का हमने क्षेत्रफल निकाला था, हमारे पास कितना था 216 वर्ग मीटर आया था, और इस ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का हम निकालेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आएगा 185। तो हम यहां लिख लेंगे कुल क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल इसको हम जोड़ देंगे प्लस कर देंगे 216 प्लस 185, 216 प्लस 185, 6 और 5 कितना आ जजाएगा 11 आ जाएगा, 8 9 1 10 हो जाएगा, 1 4 2 3 4, तो 401 वर्ग मीटर इसका दोस्तों कुल क्षेत्रफल आएगा। तो अगर हमारे पास कोई प्लॉट है, कोई खेत है, कोई घर का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसमें आकृति कैसी है, अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज की आकृति है तो उसमें हम फॉर्मूला डालेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 हम आधार गुना ऊंचाई डालेंगे। अगर नहीं है तो हम इसमें पाइथागोरस निकाल के हम इसकी बीच की साइड को हम निकाल लेंगे, पहले हम इसकी बीच की साइड को हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम, अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं बनती है तो पहले हम नीचे वाले का इस हिरोन के फॉर्मूले से निकाल लेंगे एरिया, और फिर ऊपर वाले का निकाल लेंगे हमें हिरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया, फिर हम सभी का टोटल कर देंगे, तो हमारे पास आकृति का कुल क्षेत्रफल 401 वर्ग मीटर है। इसी तरह हम दोबारा जोड़ सकते हैं 6 5 11 8 9 1 10 2 3 1 4, तो राइट हमारा आंसर ये आएगा। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।